हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड की तरफ से यानी BIS की तरफ से रिक्रूटमेंट का न्यू नोटिस आउट हो चुका है 2019 के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात है 6 तरह की जॉब प्रोफाइल है और हर एक के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। किसी के लिए कितनी पोस्ट है, किसी के लिए कितनी पोस्ट है और ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए जॉब की हर लोकेशन रखी गई है। किस पोस्ट के लिए क्या जॉब की लोकेशन रहेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल बटन को साथ में ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है। ठीक है, बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, यहाँ पे हर लेवल की वैकेंसीज आउट हुई है। क्लर्क से लेकर अपर पोस्ट तक वैकेंसीज आउट की गई है। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहेगी 27 जुलाई 2019। और सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें ये भी है, एप्लीकेशन की कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे SC, चाहे BC, OBC, PWD, किसी भी कैटेगरी से आप हो, एप्लीकेशन की कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। सबसे पहली जो वैकेंसी है, देखिए, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लिए है, जिसमें लेवल 11 के हिसाब से आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। इसके लिए 5 पोस्ट रखी गई है। इस जॉब के लिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वाले के लिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लिए, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है जर्नलिज्म में, पब्लिक रिलेशंस में या एडवर्टाइजिंग में या मार्केटिंग में, आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। जो पहली वाली जॉब है, इसके लिए जॉब की जो लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और मुंबई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये भी डिप्टी डायरेक्टर की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फाइनेंस में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके अलावा काफ़ी सारी वैकेंसीज है, क्लर्क की पोस्ट भी आई हुई है, वो भी मैं आपको साथ में डिटेल्स में बताऊंगी। इसमें लेवल 11 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और इसमें अगर आपने डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या अगर आपने MBA की हुई है, आप अप्लाई कर पाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या अगर आपने पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। इसके लिए जो जॉब की लोकेशन रहेगी, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ एंड मुंबई, इसके लिए जॉब की लोकेशन रहेगी। ये तो देखिए अपर लेवल की पोस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी ऑफिसर की। इसके लिए 17th पोस्ट टोटल रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है BSc केमिस्ट्री में अगर आपने की है, या BSc केमिस्ट्री या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ केमिकल में या मैकेनिकल में, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जॉब की लोकेशन रखी गई है, आप देख पा रहे हैं, साहिबाबाद, कोलकाता, मुंबई, मोहाली, बैंगलोर, गुवाहाटी और चेन्नई। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसके लिए लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है, यूनिवर्सिटी डिग्री मांगी हुई है CA में, SAS, LLB, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पर्सनल मैनेजमेंट में या HR मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने किया है, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो प्लेस है पोस्टिंग की, जो इनके BIS ऑफिस है ऑल इंडिया में, उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर मास्टर टेक्नीशियन की है, इसके लिए 7 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है ITI टर्नर में, मैकेनिस्ट में, कारपेंटर में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कारपेंटर में, उसके बाद फिटर और वेल्डर में अगर आपने की है, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जॉब की जो लोकेशन हैगी, कोलकाता, बेंगलोर, मोहाली, पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 जो पोस्ट है वो है अपर डिविजन क्लर्क के लिए, लेवल 4 के हिसाब से इसमें आपकी सैलरी होगी। टोटल जो पोस्ट है 79 यहाँ पे रखी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है, आप अप्लाई कर पाएंगे। प्लस आपके पास टाइपिंग स्किल्स है कंप्यूटर में और कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, ठीक है, आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑल इंडिया जॉब की जो लोकेशन बताई गई है। और Annexure 1 फॉर्म है, देखिए वो आपने फिलअप करके यहाँ पे भेजना है। नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी और यहाँ पे इन्होंने मांगी गई है। ये एड्रेस है यहाँ पे, देखिए इन्होंने बताया, और Annexure 1 में यहाँ पे इन्होंने बताया, देखिए डेपुटेशन बेसिस पे ये वैकेंसीज आउट हुई है, डेपुटेशन बेसिस है ये एड्रेस है, आप देख पा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दूंगी, ठीक है।
एनेक्शन वन में इन्होंने कंडीशंस भी लिखी हुई है, लास्ट जो एज लिमिट है वो 56 इयर्स रहेगी, यानी कि 19 से लेकर 56 इयर्स तक यहाँ पे एज बताई गई है। और साथ में यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है मिनिमम 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 27 जुलाई 2019 अप्लाई करने के लिए रहेगी, यानी कि 2 मंथ आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 मंथ का यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ये है जो आपने फिलअप करके इनके एड्रेस पे भेज देना है, जो कि इन्होंने मैंशन कर रखा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।